तुम्हारे छुटका छुटकी मेरे पास है, लेकिन अगर तुमने सही तरीके से बिहेव नहीं किया ना तो तुम्हारे छुटका छुटकी के साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत हो गया है ना तुम्हारा धमकी, बहुत हो गया, हम सह लिए बहुत, अब सहेंगे नहीं। तुम हमको बताओ हमारा छुटका छुटकी कहाँ है, हमारे सामने लाओ उन दोनों को। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें और तुम्हारे छुटका छुटकी को। अभी तुम मुझे चुपचाप बताओगी कि जब मैंने तुम्हें उस घर में वहां पर डाला था प्रज्ञा बनाकर, तो तुम उस घर से बाहर कैसे निकली और वो प्रज्ञा घर में कैसे पहुंची, बताओ मुझे। तुम कचहरी में लाई हमको जो तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे हम। हमने सवाल का जवाब दो तुम, हमने चुटका चुटकी कहा है, हमारे सामने लेकर आओ, नहीं तुम बता रहे काट डालेंगे, छोड़े नहीं तुम दोनों को। चुप रहो और ज्यादा आवाज मत करो, चुप रहो। चिल्लाएंगे हम तो जोर से चिल्लाएंगे कि हमको यहाँ बांध के रखियो, हमारे बच्चा लोगों को किडनैप कर लियो तुम दोनों, हम खूब चिल्लाएंगे यहाँ पे। शराब आजा शराब, बचाओ बचाओ। तुम अगर ऐसी चलाती रही है तो सब पड़ोसी को बुला लेगी। तुम इसका मुंह बंद करने के लिए कुछ लेकर आओ। क्या लेके आऊं मैं? तो कुछ कपड़ा लेकर आओ कपड़े से। चुप रहो, बचाओ। देखो हमको बांध के रखी है यहाँ पे दोनों। आलिया आलिया थैंक गॉड ये चुप हो गए। एक बात भी क्लियर हो गई कि ये मुन्नी और वो प्रज्ञा है। बस किस तरीके से पता लगाना है कि ये घर से बाहर कैसे है और प्रज्ञा घर के अंदर कैसे है। यार लगा लेना पता, लेकिन मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम भी चलो। चुपचाप बैठी रह, जंगली बिल्ली कहीं की। ये बार बार इनका मेरे पास आना और यूं उठकर चले जाना, शायद ये अब नहीं सह पा रहे कि इन्हें नहीं पता कि मैं प्रज्ञा हूँ या मुन्नी। लेकिन अगर इनके सामने रहना होगा तो मुझे ये सब सहना होगा। हम सर कुछ चाहिए तुम्हें? तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, वो बस शायद चक्कर आ गया था, वो अब ठीक हो। सालत में कहाँ जा रही हो तुम? नहीं बस नीचे जा रही थी, कुछ काम था तो अचानक वीकनेस हो गई, लेकिन आपने हाथ थाम लिया तो अब सब ठीक हो जाएगा। हाथ थाम लिया तो बीच रास्ते में थोड़ी ना छोड़ूंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। चली जाऊंगी मतलब छोड़ देता हूँ नीचे तक? मैं कह रही हूँ ना आप हाथ छोड़िए, मैं चली जाऊंगी। तुम ना बहुत जिद्दी हो, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दी। मुझसे ज्यादा जिद्दी तो आप है ना, कि मेरी तबीयत खराब है, आप मुझे नीचे तक छोड़ दीजिए वो नहीं, लेकिन आपके तो सवाल ही सवाल चल रहे हैं। सॉरी। सॉरी मतलब क्या होता है? कुछ भी किया और सॉरी बोला तो ठीक हो जाता है क्या? तो क्या तुम्हारे पाँव? नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला है, बस मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे नीचे तक छोड़ दीजिए बस। और मैं कौन सा गाना गा रहा था, रॉक एंड रोल कर रहा था, नाच तो नहीं रहा था ना, तुम्हें नीचे ही छोड़ने आ रहा था। हाँ लेकिन ये क्वेश्चन राउंड शुरू हो गया ना आपका, आप चुपचाप एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मुझे सिर्फ नीचे तक छोड़ दीजिए। मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ तो मैं क्या करूँ, मल्टी टास्क करने की मेरी आदत है, बहुत सारी चीजें मैं एक साथ कर सकता हूँ, यू नो। चलो क्या हुआ जी, आप ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ। हाँ ठीक है, क्या ठीक है, बॉडी में आयरन की कमी है, विटामिन्स घुस नहीं रहे, पोटेशियम मुंह पर लगाती है और केरोसिन और क्लोरीन का तो पूछो ही मत। हालत इतनी खराब है लेकिन फिर भी लड़ रही है। लड़ रही हूँ और आप तो मुझे गाना सुना रहे हैं ना? देखो दिशा मेरी तबीयत इतनी खराब है और फिर भी ये मुझसे लड़ रहे हैं। तबीयत खराब है और ऐसे लड़ रही है, तबीयत ठीक होती तो सुनामी ही ले आती मुझ पर। देखिए आप ये सब नहीं बोलते, क्या सिखा रही हो तुम इसे? नहीं नहीं दुल्हन है और तुम इसे लड़ना सिखा रही हो? आप तो पूरब को गाना गाना सिखाते ना, आप भी तो लड़ना ही सिखा रहे। मैंने कभी इसे लड़ना सिखाया? पूरब मैंने कभी तुझे लड़ना वड़ना सिखाया?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सुना अब तुम ये बताओ कि मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया, अच्छी अच्छी चीजें बताना। वो अच्छी बात है, सब एक एक करके गिनाना अच्छी अच्छी चीजें। सुनो अब तूने मुझे यही तो सिखाया कि बता बता। हाँ तूने मुझे ये सिखाया है कि क्या कर रहा है तू, हमेशा गलत टाइम पर बेइज्जत करता है। इतनी अच्छी अच्छी चीजें सिखाई मैंने तुझे और तू एक पे। रहने दीजिए, सबको पता है कि बड़े आप हैं लेकिन सिखाता आपको वो है। बोल तो तुम ऐसे रही हो जैसे तुमने दिशा को बहुत सारी चीजें सिखाई। उसे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, वो पहले से सब कुछ सीख कर आए। आप मुझे नीचे तक छोड़ दीजिए बस। तब से वही तो बोल रहा हूँ, चलो आओ, आओ। अरे क्या हुआ? हिचकी। तो पानी ले आता हूँ। अरे अगर चीख निकली है तो दर्द हो रहा होगा ना, चलिए आराम से। नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्लां। करांगे नाड़ नाड़ बैके अख नाल अख नू मिला के दिल दिया दिल दिया गल्लां। करांगे नाड़ नाड़ बैके अख नाल अख नू मिला के। देखा कितना प्यार है दोनों में। अरे ये तो सिर्फ प्रोमो है, पूरी पिक्चर तो मैंने देखी और वो भी कई बार। फर्स्ट डे फर्स्ट शो भी मैंने ही देखा था। इसे क्या हो? सुनिए दरवाजा खोलिए प्लीज। देखिए आप बताइए तो सही, बात क्या है, क्या हुआ है, आपने ऐसे खुद को रूम में क्यों लॉक कर लिया है? एक बार मुझे अंदर आने दीजिए प्लीज। क्या है? आप गुस्सा क्यों है? मुझसे कोई गलती हुई? मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूँ इसलिए। आप एक बार बताइए ना प्रॉब्लम क्या है। तुम मेरी प्रॉब्लम हो, करो ना खुद को मुझसे दूर। हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो तुम्हें करना चाहिए तुम वो नहीं कर रही हो और जो नहीं करना चाहिए तुम वो कर रही हो। यू लीव प्लीज। आप जब तक मुझे साफ साफ बताएंगे नहीं मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मैं नहीं बता सकता, नहीं बताने वाला हूँ मैं। ठीक है मुझे अंदर आने दीजिए प्लीज। मैं नहीं आने दूंगा। देखिए मेरा कमरा है, मुझे अंदर आने दीजिए। नहीं आने दूंगा, ये मेरा कमरा है। देखिए कमरा तो मेरा भी है ना। ये तुम्हारा कमरा नहीं है, तुमने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। जबरदस्ती सही पर मेरा कमरा, आप मुझे अंदर आने दीजिए। मैं नहीं आने दूंगा। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, मुझे आराम करना है। आराम करना है मुझे प्लीज, अंदर आने दीजिए। सब बंजर है हम ढूंढने जब फिर दोस्त चले, मेरे खोज तलाश में देख पिया हम कितने काले कोस चले। बंजर है सब बंजर है, एक मेरी पेशानी को तकदीर के हरफे लिखे हैं, पैरों के निशान जब देख जहां सौ बार झुकाया सर को।
नाम के सफ़े लिखे प्लीज एक बार मुझसे बात तो कीजिए, बताइए ना प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ आप अचानक उठकर बार बार ऐसे चले जाते हैं? मुझसे कोई गलती हुई है? किस बात से आप इतना अपसेट हैं? मैं अपसेट हूं, अपसेट हूं मैं तुमसे और अपने आप से भी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए फील करने लग गया, तुम्हारी आंखों में खुद को देखने लगा हूं। जब तुम्हें छूता हूं तो ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अपनी प्रज्ञा को छू रहा हूं। तुम मेरी प्रज्ञा नहीं निकली ना तो नफरत करने लगूंगा मैं अपने आप से। प्रज्ञा से मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, और तुम सिर्फ प्रज्ञा की जगह आई हो, मेरी प्रज्ञा वो नहीं। ये जीजू को अचानक क्या हो गया, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे? पता नहीं इसके मूड को भी बार बार क्या हो जाता है, लेकिन एक बात तो है अभी जो ऐसे बिहेव कर रहा है वो प्रज्ञा दी की वजह से। अब दी की क्या गलती है इसमें, उनको क्यों ब्लेम कर रहा है? दी की ही गलती है इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। दिशा, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। हाँ कहिए ना। देखो तुम दी की बहुत क्लोज हो, किसी भी तरह ये पता लगाओ कि दी ने अपने आप को मुन्नी बनाकर क्यों रखा हो। वो अभी को सच सच क्यों नहीं बता देती कि वो उसकी प्रज्ञा है? अगर ये पता चल गया ना तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अभी और प्रज्ञा दी फिर से एक हो जाएंगे। ठीक है, मैं उनसे पूछती हूँ। सिर्फ पूछना नहीं, अगर वो नहीं बताएंगे तो तुम्हें पता लगाना है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी उनसे पूछने की। मुन्नी की बच्ची को तो जान से मार दूंगी, इसका गला काट दूंगी मैं। हिम्मत कैसे हो इसकी, इसकी मुझे मना करने की, समझती क्या अपने आप को? शिनो आलिया, वो इतना चिल्लाती है ना, उसका गला काट दूंगी तब भी वो चिल्लाती रहेगी। हमारी किस्मत उस प्रज्ञा की तरह अच्छी नहीं है, कितनी मुश्किल से ये मुन्नी मिली थी, सोचा था इसे घर लेके जाएंगे तो ईजी होगा सबको ये बताने में कि यही प्रज्ञा है, पर ये तो काट डालेगी, मार डालेगी, लेकिन हमारी बात नहीं मानेगी। तनु जरा अपना हाथ तो दिखाओ। देखो देखो किस तरीके से काटा है, जंगली बिल्ली की तरह। बहुत दर्द हो रहा है। काटा ही है ना, खून तो नहीं निकला? भाई कौन खून नहीं निकला, अगर खून निकलता तो ड्रैकुला की तरह मेरा खून पी जाती, फिर मेरा क्या होता? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दर्द होता, दैट्स इट। थोड़ा सा? हाँ। मैं बताऊँ कैसे? कैसे? वो देखो, वहाँ। Oh my God, Aliya, ये क्या किया तुमने? देखो कितना खून निकल रहा है, तुम पागल हो ये मुन्नी की तरह? दिखाओ तो। वो मुन्नी नहीं मारी तो उसका कुछ समझ में नहीं करोगे तुम? नहीं, मुन्नी को अपने प्लान में शामिल करूंगी बाय हुक और बाय क्रुक, और अब यही तरीका बचा है जिससे वो मेरा काम कर सके, समझे? अलिया चुप, तुम्हें उसे देख के लगता है कि वो हमारी बात मानेगी? मेरा खून देख के मानेगी वो मेरी बात? तुम्हारा नहीं, किसी और का। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अपना हाथ छुपा और मेरे साथ चल। अब देखो इस रुमाल का कमाल। बस 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 करो। आई नो तुम हमसे बातें करने के लिए, हमको अपनी सच जो हुआ है वो बताने के लिए मर रही हो, लेकिन हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। एक काम करो, तुम हमारी बात सुनो, हम जो कहने वाले हमें अच्छे तरीके से पता है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया। प्रज्ञा ने किया, अच्छे तरीके से जानती थी जब तक तुम उस घर में थी वो उस घर में नहीं आ सकती थी, इसलिए तुम्हें बाहर निकाल कर खुद इस घर में घुस गई। बहुत ही खराब,
लेकिन हम उतने खराब नहीं, हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें एक मौका दूँ हमारे साथ मिलने का, और उसमें अगर तुमने हमारी हेल्प की तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऑलरेडी देखो तुम्हारे वहां से बाहर आने में और उस प्रज्ञा के घर में वापस जाने से हमारा बहुत नुकसान हुआ है, और मुझे नुकसान बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए उस नुकसान की भरपाई सिर्फ तुम कर सकती हो। उस घर में वापस जाकर प्रज्ञा बनकर तो बताओ तुम ऐसा करोगी या नहीं? शायद हमारी बात मान गई, कुछ बोलना चाहती। वेट, मेरे हाथ में ऑलरेडी बहुत दर्द है, तुम ही मुंह खोल दो प्लीज। पैर पकड़ो इसके। चुप रहो। ए, राम से। अब बोलो क्या बोलना चाहती हो। हम तुम दोनों का साथ कभी नहीं देंगे। वो प्रज्ञा गौ है, गौ। हम उसके साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे और करेंगे भी नहीं, समझे तुम दोनों? तो तुम हमारा ऑफर रिजेक्ट कर रही हो। प्रज्ञा से शक्ल मिलती है तो थोड़ी बहुत नेचर भी तो मिलेगी। लगता है इसे इसका गिफ्ट देना पड़ेगा। तन ये लो तुम्हारा गिफ्ट। जानती हो ये नैपकिन किसका है और इसके ऊपर खून किसका है? खुद ही सुनकर देख लो। ये लो तुम्हारे छुटके का। वाह, इसके दिमाग में ऐसे आइडियाज आते कहां से? क्या है ना, मैं छुटके के पास गई थी और उसे मैंने बताया कि देखो तुम्हारी जो मासी है ना वो हमारा काम नहीं कर रही, तो मुझे अफसोस तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा। वो जोर जोर से रोने लगा, मुन्नी मासी मुन्नी मासी मुन्नी मासी करके बोलने लगा। फिर मेरा दिल पिघल गया, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसका हाथ नहीं बल्कि उसकी छोटी सी उंगली काट देती हूँ। तो मैंने काट दी। सोचने की बात है कि खून तो अभी भी बह रहा होगा और खून रुक सकता है अगर डॉक्टर वहां पहुंच जाए तो। फाली, खून मेरा निकाला और तुमने दर्द किसी और को दिया। मास्टर स्ट्रोक, अब तो इस मुन्नी को हमारी बात माननी ही होगी। तुम दोनों डायन हो, डायन। बच्चा है वो, उसका उंगली क्यों काटे तुम दोनों? अरे एक ही तो उंगली काटी, अगर तुम नहीं मानी तो उंगलियां कट जाएंगी, यू नो उंगलियां। इसलिए बेटर होगा कि तुम हमारी बात मान जाओ, उस घर में प्रज्ञा बन के चली जाओ और वहां पर जो प्रज्ञा है उसे घर से बाहर निकालने में हमारी मदद करो, क्योंकि अपने बच्चों का फ्यूचर तो तुम्हें डिसाइड करना है कि आई मीन उनके हाथ पांव तुड़वाने हैं तुम्हें, उनसे भीख मंगवानी है या उनका फ्यूचर सेटल करना है। Your call complete. क्या बोल रही हो तुम? तुम लोग को दया नाम का चीज नहीं है क्या? वो बच्चा लोग तुमने कहाँ बिगाड़ा है जो उसका उंगली काट रही हो तुम लोग? हम मना कर रहे हैं ना तुमको, हमारा सारा उंगली काट दो, हमारा हाथ काट दो, बच्चा लोग को छोड़ दो। छोड़ देंगे यार, हमें कौन सा शौक है बच्चों को साथ में रखने का? Not interested. लेकिन उन्हें तभी छोड़ेंगे जब तुम हमारा काम करोगे। हमारा काम क्या है वो तो तुम्हें अच्छी तरीके से समझ ही आ गया, तो बताओ करोगी या नहीं करोगी हमारा काम? कुछ बोलोगी भी या नहीं? या तुम्हारी ना को हम हाँ समझ ले? That's a good girl. दी, प्याज तो भुन गए हैं, अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दो। हाँ डाल दो। ये बड़ी इलायची भी डाल देना और ये मसाले भी। ठीक है, ठीक है। अरे टमाटर अभी नहीं, वो मसाला तैयार हो जाएगा ना उसके बाद टमाटर डालो, और एक बार छोले डालोगे उसके ऊपर से ये धनिया पाउडर डाल देना, इसका फ्लेवर बहुत पसंद है। क्या बात है दी, आप तो जीजू की पसंद का बहुत ख्याल रखते हो। ख्याल कहाँ रखते हैं, ये तो अपने आप ही हो गया, पता नहीं चला कब उनके टेस्ट के हिसाब से खाना बनाना। एक बार ना मैंने इन्हें छोले बनाकर अपने हाथों से खिलाया, उनका तो मन कर रहा था कि वो मेरी। एक मिनट। अरे एक मिनट। पता है इतने दिनों से होटल का खाना खा के पक गया था और तुम्हारे हाथ के छोले भटूरे। आप ना कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसे बिहेव करते। बच्चों जैसा नहीं, मैं तो बच्चा ही। अच्छा, और कब तक ऐसे बच्चे जैसे बने रहेंगे आप?
जब तक तुम मुझे छोटू मोटू गोलू पोलू जैसा बच्चा नहीं दे देती। बच्चा तो अच्छा होगा ना, बच्चा चाहिए। ये सब बोलने की बातें। आप ना जब बूढ़े हो जाएंगे ना, तब भी ऐसे बच्चों की तरह ही बिहेव करें। अब अगर तुम अपने हाथों से इतना टेस्टी टेस्टी खाना खिलाओगी तो मैं तो बूढ़ा होने से ना मैं तो आऊंगा। अरे रोमांस बंद कीजिए, खाना जल्दी खत्म कीजिए, मुझे बहुत काम है। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? मतलब ये कि दुनिया अपना सारा काम छोड़कर मेरी एक झलक पाने के लिए मरते और तुम मेरे सामने बैठकर किसी और काम के लिए जा रही हो? अच्छा बाबा, मैं किसी काम के लिए नहीं जाऊंगी, आप बस ये खाना खत्म कर लीजिए। बस बस बस। अरे लेकिन चलो बहुत हो गए छोले भटूरे, अब तो मैं लेडी फिंगर खाऊंगा। क्या लेडी फिंगर? मतलब जिन हाथों ने इतना टेस्टी टेस्टी खाना बनाया, मैं उन हाथों की उंगलियों को चखना चाहता हूँ। आप मेरी उंगलियां खाना चाहते हैं? अब देखो टेस्टी खाना खाने के बाद लोग अपनी उंगलियां चाटते नहीं है, तो मैं टेस्टी खाना बनाने वाले की उंगलियां चाटना चाहता हूँ। क्या? क्या कर रहे हैं? अरे छोड़िए। छोड़िए मतलब खाना है तो खाना है ना। अरे नहीं, अरे आर यू सीरियस? आई एम वेरी सीरियस, गिव मी टू फिंगर्स। अरे अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं? पीस पीस।